जो बद्दी में हो गया। ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं आप, उसका नतीजा है जो मानव भारती विश्वविद्यालय आज शिक्षा नहीं दे रहा है लेकिन शिक्षा के नाम पर नोट कमा रहा है। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के मुताबिक है कि जो यस बैंक ने धंधा कर दिया है, जो लूटने का काम कर दिया है, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ये हुआ है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डबल इंजन की सरकार, अभी डॉक्टर साहब यहां बैठे नहीं हैं, लेकिन उसका भी मैं हवाला करना चाहता हूं। ये जो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन ये कोयले से चलने वाला है या ये वो डीजल से चलने वाला है या ये चलने वाला है आपका वो जो बिजली से चलने वाला है। जो सुन ले आप, सुन ले ठाकुर साहब, ये जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं, जो सबसे सबसे कठिन दौर जो हमारे सामने आने वाला है वो है कि ये जो कृषि संकट हमारे सामने आ गया है और ये दस्तावेज जो आपका इकोनॉमिक रिव्यू है ये इसको रिकॉग्नाइज करता है कि आज हिमाचल प्रदेश बहुत गहरे कृषि संकट से गुजर रहा है। और आप सुझाव क्या दे रहे हैं उस कृषि संकट को ओवरकम के लिए? ठाकुर साहब सिर मत हलाओ, डाटा बोलता है 2.19 माइनस ग्रोथ है आपकी कृषि में, ओवरऑल 1.7 है माइनस ग्रोथ कृषि में। ये तो सेब ने छोटा मोटा लिहाज रख दिया, नहीं तो ये जो ग्रोथ था ये से भी नीचे जाना था। आप माने मेरी बात को प्लीज, मैं हाथ जोड़ से आपके विनती करना चाहता हूँ, आप मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहता हूँ, आप इस प्रदेश को बचाओ, बच सकता है, लेकिन अगर आपकी नीतियां ये रहेगी, मैं लिख के देता हूँ ये प्रदेश डूब जाएगा। आप इस प्रदेश के बारे में चिंतित है, यह भी प्रदेश के बारे में चिंतित है, मैं भी प्रदेश के बारे में चिंतित हूं। और अगर इसको बचाना है एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आपको जो कृषि निवेश है सही तरीके से करना है। और आपने सुझाव क्या दिया है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस कृषि के अंदर भी आप लाएंगे। पता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अडानी विल टेक ओवर आर एग्रीकल्चर। आज सिर्फ वो सीए स्टोर बनाता है और उसे आगे वो आपकी खेती की तरह बढ़ेगा। इसलिए मेहरबानी कर सिर्फ दो मिनट के अंदर मैं आप चेयरमैन साहब अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप दो मिनट मुझे दे, दो मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसलिए ये चेयरमैन साहब, ये क्या करना होगा? ये करना होगा कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसे लागू करना होगा अगर कृषि बचानी है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो किसान अपनी जमीन को छोड़कर शहर में आ गया, क्यों आया? वो इसलिए आया कि खेती आज लाभकारी नहीं रही है, तभी आया है शहर में। कोई इस तरीके से अपने खेत को छोड़ के नहीं जाता है। एक किसान जो है आखिरी सांस तक उसकी जमीन उसकी प्यारी है, अगर वो छोड़ के जा रहा है, अब कारण तलाशो। कारण ये नहीं कि उसकी जमीन पर खेती करने के लिए आप आड़ती को ढूंढ रहेंगे, आड़ती आएगा उसकी खेती करने के लिए, लेकिन आज खेती करेगा कल को उसका मालिक बन जाएगा। मेहरबानी कर ये काम मत करो। करना क्या है? आप खेती को लाभदायक करने के लिए आप कर सकते हैं, इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक शक्ति चाहिए। अगर राजनीतिक शक्ति पैदा करेंगे तो ये खेती बच पाएगी। चेयरमैन साहब, मैं अपनी बात को इस बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं, बहुत से विवाद रहेंगे। अगर मुझे इस बजट को समर्थन करना होता तो मैं उधर बैठा होता। आप तो इतना भी टॉलरेट नहीं करते, आप इतना भी टॉलरेट नहीं करते। और ये जो फौज बैठाई है वहां पर, वो अपने इस माइंड एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल करने का मौका नहीं दे रहे हैं। और इसलिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र के अंदर पक्ष होगा और विपक्ष होगा। आप इस बात को सीखने की कोशिश करो सदस्य कि विपक्ष की बात को भी सुनने के लिए। एक मिनट। और क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो प्रावधान आपने इस बजट में दिए हैं
ये हिमाचल का विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रावधान आप